वेलकम टू स्मार्ट जनरल नॉलेज। स्मार्ट जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं 24 जनवरी के इतिहास के बारे में। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक प्रभाव घई का जन्म 24 जनवरी 1943 में हुआ था। संविधान सभा ने आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। 24 जनवरी 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी थी। बंबई में 24 जनवरी 1952 को पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का निधन 24 जनवरी 1965 में हुआ था। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को जीत दिलाई थी। प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का जन्म 24 जनवरी 1826 में हुआ था। जनवरी 1857 को भारत के कलकत्ता शहर में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 24 जनवरी 1966 में भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1963 से 24 जनवरी 1977 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था। चुनाव में दलितों का आरक्षण 10% तक बढ़ाने हेतु संविधान के 69वें संशोधन को 24 जनवरी 2000 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का निधन 24 जनवरी 2011 को हुआ था। फिल्म और अभिनेत्री और मॉडल रिया सेन का जन्म 24 जनवरी 1981 में हुआ था।